सो हेलो रैंक कुशास, क्या हालचाल। आई होप कि भाई आप सभी का कॉन्कर हो गया। जिसका नहीं हुआ भाई 100-200 का पॉइंट चाहिए होगा, तो जल्दी से जल्दी आप कर लीजिए क्योंकि मैचिंग वैचिंग ठीक से हो नहीं रही है। तो भाई बात करें मेरे लक की, तो मेरी किस्मत सच में थोड़ी सी इस मैच में अच्छी रहती है क्योंकि मैं भाई जोन में जहाँ पे जाता हूँ जोन मेरे पास खींचा चला आता है, तो वो आप लास्ट में देखेगा और लास्ट में क्या ही बंदों को मारा है। और मैं यहाँ पे इस मैच में चिकन डिनर करता हूँ, तो आप लास्ट तक गेम प्ले जरूर देखिएगा। और यहाँ पर चारों तरफ देखने के बाद बंदे दिखते नहीं, तो मैं सोचता हूँ भाई 10-10 कर दिया जाए, क्या पता क्या ठुक किल मिल जाए। बट वहाँ पे बंदे का हेडशॉट लगता है, एक दो हेडशॉट लगता है, मेरे पास हेलमेट वगैरह नहीं था तो मैं उधर पे मर जाता हूँ। मरने के बाद आता हूँ यहाँ पे स्कूल में आके यहाँ पे अपना फुल लूट कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पे दो बोट को भी मार देता हूँ। मारने के बाद यहीं पे मैं होल्ड कर रहा था, फिर इधर से एक बग्गी गुजरती है जिसको मैं यहाँ पे फायर करके उसको वार्न करता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं होल्ड कर रहा हूँ, इधर पे मत आना। बट अभी देखना क्या होता है। भाई इस बंदे को मैं इधर पे वार्न किया कि इधर मत आ, फिर भी ये बंदा आके इधर ही, शायद उसके पास अकाउंट रिकॉल वगैरह होगा। तो देखो यहाँ पे मैं बैठ जाता हूँ, मुझे पता था ये बंदा इधर ही से ऊपर आएगा। तो शायद बंदे के पास एक एक्टू रिकॉल था, इसलिए ये अपने आप को थोड़ा ज़्यादा सोच रहा था कि रिस्क ले लूँ इसके बाद, क्योंकि ये रिकॉल ख़त्म होने वाला भी था। तो इस बंदे के पास भाई मुझे काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी लूट मिल जाती है। तो यहाँ पे लूटने उठने के बाद मैं सोचता हूँ अभी जोन में प्रवेश किया जाए, क्योंकि लास्ट वाला जोन जो है वो श्रिंक होने वाला रहता है। तो इधर पे देखना क्या होता है। मैं अपनी गाड़ी शांति से चला रहा हूँ, तो ऐसे सिचुएशन में भाई अगर चारों तरफ बंदे हैं और यहाँ पे आपकी गाड़ी वाड़ी फंस जाती है तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अभी यहाँ पे 33 बंदे बचे थे जो कि पांचवा छठा सर्कल है। फिर मैं इधर स्टेशन वाली बिल्डिंग के पास आता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ भाई चारों तरफ बंदे ही बंदे। फिर मैं इधर से गाड़ी घुमाता हूँ, भाई थैंक गॉड कि मेरी गाड़ी फंसी नहीं उधर पर। मेरे ऊपर कुछ शॉट्स भी आते हैं, एक आध हेड शॉट भी लगता है मुझे, बट मैं यहाँ पे बच जाता हूँ। बचने के बाद मैं आता हूँ इस घर में, जो कि यहीं पे देखना आप एंड जोन तक, एकदम से लास्ट तक एकदम से छोटा वाला सर्कल हो जाएगा, तब तक जोन यहीं पे बनने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं जो, उसके बाद इधर पर मैं देखता हूँ एक बग्गी रहती है और एक बंदा भी रहता है। मैं लेट के मारने का ट्राई करता हूँ बट एंगल नहीं बनता, फिर मैं बैठ के मारता हूँ। फिर इधर पर भाई इधर पे एक बंदा दिखता है जो पावर यूज करके आगे भागता है। फिर दोबारा से मैं इसको देखने का ट्राई करता हूँ, इसको काफ़ी खोजता हूँ बट ये बंदा मुझे दिखता ही नहीं है। फिर उसके कुछ देर बाद मैं चारों तरफ मैं देख रहा हूँ, देख लो तो दोबारा ये बंदा दिखता तो है बट यहाँ पे इसको ये मोन्स्टर ट्रक वाला बंदा गाड़ी चढ़ा के मार देता है। तो भाई अभी एंड जो है बहुत ही खतरनाक होने वाला है, तो आप गेम पूरा देखिएगा। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे एक बंदा उड़ के आ जाता है अभी इस वाले घर में, तो यहाँ पे भाई ये BRDM वाला बंदा मतलब लड़ा के ही 3-4 बंदे को गाड़ी चढ़ा के ही मार देता है। अभी बचे थे बंदे 16 और जोन देख लो कितना ज़्यादा छोटा हो गया है। तो भाई अगर आपके पास कवर है, अच्छा खासा कंपाउंड है, तो आप चारों तरफ देख के आराम से बंदों को मार सकते हैं, किल विल निकाल सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे पीछे देखने का ट्राई करता हूँ, तो पीछे यहाँ मुझे एक बंदा दिखता है जिसको दो हेड लगा, तो इसको दो हेड लगा वो बंदा मर गया। फिर यहाँ पे सामने ये BRDM वाले बंदे ने भाई फिर से किसी को मतलब कि गाड़ी चढ़ा के मार दिया।
फिर उसके बाद देख लो जोन फिर से श्रिंक हुआ और फिर से मेरे पास ही आ गया, एकदम से मेरे पास आके यहाँ पे आ गया। फिर से यहाँ पे एक बंदा आता है, तो मैं चारों तरफ देखने का ट्राई करता हूँ बट मुझे बंदे कहीं दिखते नहीं है। फिर यहाँ ट्रिपल स्टोरी के ऊपर भी एक बंदा रहता है और एक बंदा इधर उड़ के आया, मतलब कि थोड़ा पावर यूज करके, और आके जो ब्रोकन वाला है सामने उसी के पीछे बैठ जाता है। तो मैं ट्रिपल स्टोरी पे देखता हूँ और स्प्रे करने में थोड़ा जल्दबाजी कर देता हूँ, बट बंदे को हेडशॉट एक भी लग नहीं रहा था जिससे बंदा यहाँ पे बच जाता है। मैं यहाँ से इसके पास नेट वेट डालने का ट्राई करता हूँ बट पता नहीं कि नेट डालने के लिए मुझे घर से बाहर जाना पड़ता, जो कि मैं जाना नहीं चाहता था। फिर मैं यहाँ पे नेट नहीं डालता हूँ, मैं ऊपर आता हूँ, यहाँ से भी नेट डालने का ट्राई करता हूँ। उधर भी नेट जाने का कोई चांस नहीं था। फिर उसके बाद ये वाला भी जोन जैसा श्रिंक होगा ना, देखना कैसे बंदे मक्खियों की तरह मेरे ऊपर चढ़ने लगते हैं। फिर यहाँ ये बंदा अंदर घुसा, यहाँ पे भाई इस बंदे को मैं काफ़ी डैमेज कर दिया। फिर यहाँ पे एक दूसरा बंदा भी आता है, तो अभी देखना बंदे मेरे ऊपर आने लगे हैं क्योंकि भाई लास्ट का सर्कल मेरे पास ही बना था। फिर यहाँ पे मैं नेट कुक करता हूँ, सामने वाला भी बंदा नेट कुक करता है बट मैं उससे पहले नेट कुक किया रहता हूँ और उस बंदे को मार देता हूँ और मैं उसके नेट से आराम से बच जाता हूँ। फिर यहाँ पे मेरे पीछे के तो बंदे ख़त्म हो गए थे, अभी चार बंदे और बचे थे, मेरे को लेके पाँच हो गए। तो अभी देखना सारे बंदे कैसे मेरे ऊपर मतलब कि चढ़े चले आते हैं। तो एक बंदा सामने उधर ब्रोकन वाल के पीछे है और यहाँ पे बाकी के बंदे सब मेन स्टेशन वाली बिल्डिंग के साइड हैं। तो देखना आप, तो भी बंदे मेरे ऊपर आने लगे थे। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि भाई जोन मेरे ही ऊपर था एकदम से, पूरा देख लो लास्ट वाला जोन, और बंदे मेरे ऊपर जब आएंगे चार के चारों बंदे भाई साथ में, तो मैं यहाँ पे उस वाले बंदे को मारने के लिए आया बट मैं यहाँ पे ऊपर छत पे एक बंदा था मेरे, अभी एक बंदा जोन से मर गया, एक बंदा वो गिली सूट वाला, और एक मेरे ऊपर तीन बंदे बचे थे। तो मैं बाहर नहीं जाना चाहता था क्योंकि बाहर जाता तो ऊपर वाला बंदा मुझे मार देता। तो मैं नीचे बैठा रहता हूँ और ऊपर वाला बंदा नीचे वाले बंदे को आराम से मार देता है। उसके बाद यहाँ पे बंदा मेरे ऊपर काम हमें यूज करता है, मैं बाहर आता हूँ। और भाई इस वाले बंदे को लगता है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज हूँ और यहाँ पे मेरे ऊपर तुरंत पुश करने लगता है। मैं यहाँ आता हूँ, इसको फोन करके यहीं पे बैठा रहता हूँ। भाई मिल गया मुझे एक डिलीशियस सा चिकन डिनर और 8 किल के साथ। स्टार्टिंग में मेरे 0 किल थे, फिर वहाँ पे 3 किल हुआ अपार्टमेंट स्कूल में, फिर यहाँ पे मेरे अच्छा एक अच्छा चिकन डिनर हो गया। भाई काफ़ी हॉट लॉबी थी और यहाँ पे इस मैच में मेरा हुआ 23+। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और गेम प्ले कैसा है ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।